तो अगर आपने एक बार अपने बैटर के अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया तो आपको दोबारा बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ये परमानेंट आपके इंग्रेडिएंट को फुला देता है। अगर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा अपने खाने के अंदर डाल दिया तो आप देखेंगे एक सोपी सोपी साबुन जैसा फ्लेवर आने लग जाता है, या फिर उसका रंग चेंज हो जाएगा, या प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प या कड़क हो जाएगा, ठीक है जी। बट वहाँ पे अगर आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो किसी भी प्रकार के आपकी रेसिपी के अंदर, उसके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी चला गया है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टेस्ट की, अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हो तो 2 या 3 दिन के बाद आपके प्रोडक्ट की फ्रेशनेस चली जाती है, उसका टेस्ट भी चला जाता है, आप बोल सकते हैं टेस्टलेस हो जाएगा। पर वहीं अगर आप वहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हो तो उसका टेस्ट वैसा ही रहेगा 2-3 दिन के बाद भी, जब तक वो पूरा का पूरा बचा पड़ा है या उसकी जितनी भी सेल्फ लाइफ है। तो बेकिंग पाउडर यूज़ करने का ये बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं एडवांटेज है।